वेख मेहर, असी तेनू तेरी मां बारे सचो सच दसन लई तैयार आ। पर असी क्यों दसीए? बापू जी तो सानू मना कर रहे ने। बाबू जी, तुसी मेरे तो सारी गल्ला क्यों लुको रहे हो? ना तुसी खुद दस रहे हो ते ना तुसी ताई जी नू दसन देंदे हो। तो हानू मेरी कसम बाबू जी, तुसी इन्हां नू ना रोको। मैं अपनी मां दे बारे च जानना चाहुंदी आ। मेहर पुत, बापू जी ने कहा कि वो बाद च तैनू सारी सच्चाई दस। नहीं मेहर पुत्र, तैनू सारी सच्चाई मैं दसदा, तू फिक्र कानू करदी है। मेहर पुत्र, जो तू 4-5 दिन दी सी ना, तेरी मां तैनू कल्ली नू छड्ड के किते दूर चली गई सी। उदो बापू जी ने तैनू वेख्या ते तैनू लैके इत्थे आ गए। हुण सारी कहानी ना तैनू बापू जी आप दसणगे कि ओह तैनू कित्थों ते किवें लैके आए। मेरी बच्ची लई, ओदी आउण वाली जिंदगी लई, इस बच्ची नू होश तो दूर ले जाना ही पएगा। तैनू पावनी दी आउण वाली जिंदगी दा वास्ता कि तू ए पेट कदे किसे बुरे नहीं खुलेगा। बाऊ जी क्यों नहीं दस रहे ने कि मेरी माँ कौन है? मैं माता रानी नू आप ही जाके पूछ लेनी हूँ कि मेरी माँ कौन है। मैं तेनू सवाल पूछन आई हां। मैं जानती हां कि तू मेरी मां है, पर मेरी असल मां कौन है? जिसने मेनू जन्म दिता है, जे उन्हें मेनू जन्म दिता है, फिर वो मेनू छड़ के क्यों चले गई? माता, हुन तू ही मेनू दस सकती है कि मेरे जन्मदिन वाली मां है कौन? जे तू भी बाबूजी वांग मेरी गल का जवाब नहीं दिता ना, फिर मैं भी नाराज हो जावांगी ते तेरे नाल कट्टी कर लेंगी। चल कट्टी नहीं कर दी, पर नाराज तो हो ही जावांगी। बाकी मेनू चंगी तरह पता है कि असी दोवे एक दूजे नाल गल करे बिना नहीं रह सकते। सो जे तू मेरे सवाल का जवाब दे देवे ता बहुत वधिया होएगा माता रानी। मेहर, मेरी बच्ची, माता रानी तेरे को लोग कदी नाराज नहीं हो सकती। पता क्यों? क्यों? क्योंकि माता रानी ही तेरी असली माँ है, फिर वो तेरे तो किवें नाराज हो सकती भला? माता रानी तो सब दी माँ है, मेरी भी तोड़ी भी सारिया दी। पर मैं ये जानना चाहती हूँ, मेनू जन्म लेने वाली माँ है कौन? ते वो मेनू छड़ के क्यों चले गई? कि मेरे कोलो कोई गलती हुई सी? मेनू भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरी माँ मेनू कदों मिलूगी ते वो मेनू पहचानूगी किवें? बाऊ जी, मेनू तुसी दसो चाहे माता रानी दसे। जे तुसी मेनू कुछ नहीं दसिया ना, ते ना मैं कुछ खावांगी ते ना मैं कुछ पीवांगी। मेहर, मेरी बच्ची, प्यारे बच्चे इस तरह जिद नहीं करते। पुत्र, मैं तेनू हर गल का जवाब दिया, तू चल के कुछ खा ते लै। हे माता रानी, मैं की करा? मेहर को किवें समझावां ओदी जिंदगी दे बारे, तू ही मैनू दस। लगता है आज दसना ही पड़ेगा। मेहर, मेरी बच्ची, तू 2 मिनट रुक, मैं हुणे आया। पुत्र, मेरी बच्ची, छेती कर, चल मेरे नाल। आज मैं तेनू उत्थे लेके जाऊंगा जिथे तू मेनू निक्की होंदी मिली सी, ते तेनू ये भी दसूंगा कि तेरी मां तेनू किवें मिलेगी। सच्चे बाबू जी? हाँ मेरी बच्ची, आ जा। आज मैं तेनू सब सच से दसूंगा, पाला चुप। मेहर पुत्र, तू मेनू माता दे आशीर्वाद दे रूप च इत्थे मिली सी। अच्छा? हाँ। चल आपां प्रसाद ले लेने आ, ठीक है?
20 रुपए दे फुल देना, मैं जरा प्रसाद लेके आया हूं। एक नारियल ते एक चुन्नी दे दे बेटा। हे माता रानी, हूं तो मेनू मेरी मां नाल मिलवा देंगी ना। माता रानी, मेरी मां मेनू इत्थे क्यों छड़ के गई सी? तेनू पता मेरी मां किथे है? जय माता दी, चंगा होया कि मैं इस बच्ची नू बचा लिया। मेर, तुता है ना? जी तुसी? जी मैं इंस्पेक्टर करण खुराना। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, तुसी साड़ी बच्ची दी जान बचा ली। कोई नहीं जी, बेटा जी तुसी बहुत छोटे हो ना, इसलिए कभी भी कले रोड क्रॉस ना करो। तुहाडे बापू जी पिछे आ रहे सी। मैं अपनी मां दे बारे सोचदे सोचदे कदों इधर आ गई, मैनूं पता ही नहीं चलिया, पर मैं फिर ऐसी गलती कदे भी नहीं करांगी। ऐ ते बहुत ही प्यारी ते समझदार बच्ची है, तुसी अपना ख्याल रखो। मैं चलदा। चंगा इंस्पेक्टर साहब। अंकल किन्ने चंगे ने, मेनू ऐदा लग्या जिवे मेरे पापा ने मेरी जान बचाई होवे। पापा? मैं तो अपने पापा दे बारे कदी सोचया ही नहीं। बाबू जी, मेरी माँ मेनू मिल जाएगी ना, पर वो मेनू पहचानेगी किवे? जदों तेरी मां तेनू छड़ गई सी ना, ते नाले लॉकेट भी छड़ गई सी। पुत्तर, हुने लॉकेट तू हमेशा अपने नाल रखी। जदो तेरी मां तेनू इस लॉकेट दे नाल वेखेगी ना, ते वो अपने आप पहचान लेगी कि तू उना दी बच्ची है, है ना? बाबू जी, मेनू ऐदा लग रहा है मेरी माँ इत्थे ही है, वो मेनू लेन जरूर आएगी। हाँ पुत्र, तू ये लॉकेट पाया हुआ है ना, इस करके तेनू लग रहा है। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਵਨੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਪਵਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। आज पावनी बेटी अपने नवे परिवार नवी दुनिया च बहुत खुश है। इस तो वड्डी गल होर की हो सकती है? मैं मेहर नूं कीवें दसां कि यही उहदी जन्म लैण वाली मां है। पावनी, नूर बड़े दिनों तो मंदिर जाना चाहता सी, अज मेरे को थोड़ा टाइम भी है, चल असी भी मंदिर चलते हैं, माता रानी दे दर्शन भी कर लवांगे ते नाल ही पूजा ले समान भी खरीद लवांगे। पावनी चल साढ़े नाल, तेनू भी चंगा लगेगा। करण जी प्लीज, तुहानू पता है ना सब, तुसी मैनू इस गल लई वार वार ना कहा करो, मैं हले किते नहीं जाना, तुसी दोवे हो आओ मंदिर। आ जा।
माता, हर एक माँ अपने बच्चे नूं बहुत ज्यादा प्यार करती है। ते जे मेरी माँ भी होंदी तो ओ भी मेनू बहुत ज्यादा प्यार करती। मेनू अपनी माँ नूं वेखण दा बहुत दिल करदा है, पर मैं की करां, मेनू तां ए भी नहीं पता मेरी माँ है किथे। बाऊ जी कहंदे सी भी मैं उन्हां नूं इत्थे ही मिलदी सी, एदा मतलब मेरी माँ पक्का तुहाडे कोल आंदी होनी। तू उन्हां नूं दस दी भी उन्हां दी बच्ची उन्हां नूं मिलना चाहुंदी है ते उन्हां दी गोदी च सिर रख के सोना चाहुंदी है। मैनू पक्का पता है तू मेरी माँ नूं मेरे दिल दी गल जरूर दसेंगी। जद मैनू मेरी माँ मिल जाएगी ना, तद मैं तैनूं ओहदे बदले च मेरी एक गुड्डी दे दांगी, जिहदे नाल मैं खेडदी वी हां ते कदी कदी गल्लां वी करदी हां। फिर तू भी उस गुड्डी नाल गल्लां कर लिया करी। नूर कदी कदी तू भी अपने माँ प्यो नाल नाराज होना है ना। माता रानी दे सारे भगत ओहदे लई बच्चे वर्गे होंदे ने, ते कदी कदी ए भगत जानी कि उन्हां दे बच्चे अपनी मां नाल नाराज हो जाने, जिवें तेरी सुपरमॉम। पर हाँ, जे थोड़ा भी विश्वास होवे ना, ते माता रानी अपने भगतां नूं नाराज नहीं रहन दिंदी। वो अपने भगतां दा इम्तिहान जरूर लैंदी है, पर उस तों बाद उन्हां दी खुशियां दा ख्याल भी रखदी है। चली मेरे तो बुरा कोई नहीं। ना तो मेरा वैसे लाजो है, पर तसीर थोड़ी गर्म है। हे माता रानी, आज एकादशी दे शुभ मौके ते असी घर च तेरी पूजा करवा रहे। पुत्र करण ते पावनी दे विआह नूं कई साल हो गए ने, पर अजे तक कोई औलाद नहीं हुई। मेरी इक्को इच्छा है के इस घर च नवियां खुशियां आ। पावनी दी अखां च मैं मां बनन दी खुशी वेखना चाहनी हूं। करण भी अपने बच्चे नूं वेख के किन्ना खुश होएगा। बस इक्को ही दुआ है, मेरी बहू रानी तुत्ती नाए पुत्ती फले। कोई मेरे नूं भी सुनदा कि नहीं इस घर च? लाजो भैन जी, शांति रखो, सारे कार्ज बहुत वधिया हो जाणगे। एवें घबराई जांदे हो, नाले पूजा पाठ दे मौके ते जल्दबाजी चंगी नहीं हुंदी। जल्दबाजी दी गल मैनू ना समझाओ तुसी भाभी जी, जल्दबाजी ता थोनू है के कदों करण पुत्र दे घर औलाद होवे ते मैं दादी बना। नाले इसे वास्ते ता अज आपां घरे पूजा रखाई है, नाले मैनू ता तुहाडा ही फिकर रहिंदा है कि ना। ओ ता सब ठीक है लाचो, पर जेड़ा काम जिस मौके होना है ना उदो ही होना है। काली करन दा कोई फायदा नहीं, नाले हफड़ा दफड़ी च कीती पूजा दा कोई फायदा है। जेड़ा काम शांति नाल हो जाए ना उदे नाल दी तां रीस ही नहीं। नहीं मम्मी, भुआ जी ठीक कह रहे ने, जे असी ढिल्ले पै गए ते मोहर दा टाइम भी निकल जाना है। नाले वीरा पता नहीं कित्थे रह गया, हुण समान लैके आउणगे ताइयों तां पूजा होगी। नाले उन्होंने तो नूर नू भी लेके आना से म्यूजिक क्लास चो। मैं वीरे नू फोन करके पूछ दिया। मैं सारा कॉल करके आनी है नानू। ओ
मेरे पति देव असी इत्थे घर दी सफाई करन नहीं बैठे बल्कि करण वीरे दी सारी प्रॉपर्टी दा सफाया करन बैठे आ। गल तो तेरी सही है पर शुरुआत कितों ना कितों तक करनी पैनी है ना। मैं प्रॉपर्टी ते हाथ साफ करन तो पहला जे सीनरी साफ कर ली तां समझ लै बंदा हजे ट्रेनिंग लै रहा है। ट्रेनिंग तां थानू मेरे तो ही लैनी पैनी है। थानू ना कुछ पता नहीं चलदा कि घर च की चल रहा है ते की नहीं चल रहा। यार घर च की चलना है ओही रोना धोना लगे रहना 24 घंटे। ना जी सारे दिन ना एक जे नहीं हुंदे कोई दिन खास भी हुंदा है। नाले जे मैं एक दिन अपने च बिजी की होगी तुसी कुछ भी चक के पा लैंदे हो। एटलीस्ट मेंटेन सम क्लास यार। ठीक तो है यार। नाले ना अपने कम्मा च ना लगे रहा करो थोड़ा मेरा भी भार होला करा दिया करो। तेरा भार भार तो देख तू अपना आप वधाया थोड़ा अपनी डाइटिंग नु कंट्रोल कर भार भी होला हो जाऊ ते दिमाग भी शांत हो जाऊ तेरा। मेरे कहने का मतलब है कि अज ना घर च एकादशी की पूजा रखी हुई है ते जाके ना मेरे नाल घर दे कम्मा च हाथ पैर वटाओ। घर दे कम कर कर ली तू है ता सही नाले मेरा की है मैं तो अपना कम असा हुंदा गा नाले तू आप ता कहा सी मैं घर दा नौकर थोड़ी हां हुण जे मैं अपना कम कर कर वेख रहा है ता तैनू ए भी हजम नहीं हो रहा। जवाई जी तुसी किसे चीज दी टेंशन ना लो सब कम टाइम सिर हो जाने। ए पुआ पतीजी ते एवें घबराई जांदियां ने। पूजा दा समान लियाओ तुसी। बस पंडित जी सिर्फ 2 मिनट। पंडित जी बस मेरा पुत्र समान लेके पूजा तो हुणे ही आउंदा होना। दादी ले आ गया। उषा में ले फट पूजा दा समान पंडित जी नु छेती दे दे। पावनी पुत्र पूजा दी थाली ते माता रानी अगे मत्था टेक के अरदास करो कि मेरे मन दी मुराद छेती पूरी होवे। जा मेरा पुत्र जा। मां तू जानती है मैं आज बाबू जी दे नाल एक वड्डे मंदिर च गई सी। मैं उधर भी आई अरदास कीती सी कि मैं मेरी मां नू वेखना चाहुंदी आ उतना गल्ला करना चाहुंदी आ। मैं वड्डे मंदिर च ना माता नू अपनी गुड्डी देन दा पक्का वादा कीता जदों मैनू मेरी जन्मदिन वाली मां मिल जाएगी ना फिर मैं तेनू भी गुड्डी दवांगी। सोच रही है पुत्र ले फड़ मेरा पुत्र माता रानी नु मत्था टेको बच्चे। इन्हां ने मेरी मुराद पूरी किथे करनी है मैनू नहीं लगता। मैनू हुण तक इन्हां कोलों मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं मिलिया फिर मैं इन्हां कोलों होर कुछ किवें मंग सकती हाँ। जद तक मेरे सवाल का जवाब मैनू नहीं मिलता उदों तक मैं इन्हां नाल कोई गल नहीं करनी। पुत्र किथे चलिए ना माता रानी ना कादी नाराजगी मत्था टेक के तो बिना कदे मन दी मुराद नहीं पूरी हुंदी। नहीं बुआ जी वो मैं थोड़ी जल्दी जा इसलिए। ए पावनी पुत्र तेनू ते करन नू ता हुण तक पूजा च बैठ जाना चाहिदा सी। पहला पाठ पूजा करनी ते बाकी दे घर दे काम सारे बाद च। जे माता रानी ने चाया सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मेरी माँ तो दुनिया की सब तो सोहनी माँ होगी, पर वो किस तरह की दिखती होगी। हुन मैं अपनी माँ का सोहना चेहरा अपने हाथों नाल बनावांगी। मेरी माँ सब तो सोहनी होगी ते सब तो प्यारी भी। मैनूं हुण भरोसा नहीं है कि माता रानी मेरे सवालों का जवाब देगी या मेरी कोई मुराद पूरी करेगी, नहीं तो हुण तक मेरी कुख भरना चाहती। माता रानी, मैनूं तेरे ते पूरा विश्वास है कि तू मैनूं मेरी मां नाल मिलवावेंगी।